अस्सलाम वालेकुम, ट्रैवल विद फ़हीम आलम में खुश आमदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ आपको। आज मैं आपको लेकर चलता हूँ औरंगी टाउन की सैर के लिए, आज 10 मुहर्रम में। देखते हैं कि औरंगी टाउन में क्या हालात है। ये मेरे सीधे हाथ पे जो है कतर हॉस्पिटल है, यहाँ से हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है और अभी मैं चलते जाता हूँ और आपको दिखाता जाता हूँ कि क्या हालात है औरंगी में। देखें कितना रश हो रहा है, ये ताज़िया निकल रहा है, ये देखें, ये 7 नंबर आ गया है। बनारस नेशनल हॉस्पिटल है राइट हैंड पे मेरे, और लेफ्ट हैंड पे पहले यहाँ पे शादी हॉल था, अभी तोड़ दिया है, अभी दोबारा से ये बना रहे हैं शादी हॉल। ये ठेले वाले खड़े हुए हैं सारे मुहर्रम का हिसाब से खिलौने वगैरह लेकर। अब ये देखें ये क्या हो रहा है, ये बंदा जो है लंगर बांट रहा है और ये दरख्त पर चढ़ के बांट रहा है। अगर ये नीचे उतरेगा तो शायद हमला हो जाएगा इसके ऊपर, आवाम हमला कर देगी। ये देखें पब्लिक जो है, आवाम जो है रोड पे आई हुई है, आज एंजॉय कर रहे हैं फुल लोग। ये देखें ये बनारस बाजार है, ये बनारसी मार्केट, सन्नाटा पड़ा हुआ आज तो 10 मुहर्रम की वजह से। ये सीधा रोड जा रहा है 4:45 की तरफ, 4:45 का जो थाना है आएगा आगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरी मार्केट की पट्टी है, दोनों तरफ मार्केट है बनारसी। ये देखें ये सारे नाले की सफाई वगैरह हुई है। बड़ा ही ज़बरदस्त रोड है ये, अगर आप खाना खा के निकलेंगे तो खाना हज़म हो जाएगा यहाँ पे आपको। ये आ गया 4:45, राइट हैंड पे 4:45 का थाना है पुलिस स्टेशन। ये देखिए ये कल मैं आया था 9 तारीख को, 9 मुहर्रम को, तो ये सारे कंटेनर लगा के बंद किए हुए थे, अभी साइड पे हुए हैं कंटेनर, रास्ता खोल दिया आज इन्होंने, वरना ये शियाओं की वजह से सारा बंद किया हुआ था। पूरा शहर जो है ये पूरा पाकिस्तान बंद कर देते हैं ये हमारे शिया भाइयों की मेहरबानी से। ये अब मैंने लेफ़्ट टर्न लिया है और ये बनारस की तरफ मैं जा रहा हूँ, आगे बनारस का पुल आएगा, पुल पे तो मैं नहीं लूँगा, लेफ़्ट पे ले लूँगा मैं 1 नंबर की तरफ। ये एक और ताज़िया जा रहा है, ये देखें आगे से मैं 1 नंबर की तरफ टर्न कर लूँगा। अच्छा, पहले मुहर्रम के दिनों में ये सारी सड़कें बन जाया करती थी, इस बार पता नहीं क्या हुआ है कि सड़कें वगैरह वैसी खुदी भी हैं, यहाँ नाला भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, इस बार इन्होंने ऐसा नहीं किया है। बनारस का पुल स्टार्ट होने वाला है, इससे हम लेफ़्ट ले लेंगे, पुल के ऊपर नहीं चढ़ेंगे वरना बोर्ड ऑफिस पहुँच जाएँगे हम सीधा, तो यहाँ से हम लेफ़्ट लेते हैं 1 नंबर की तरफ। देखते हैं क्या सूरत हाल है इधर आज। यहाँ भी सारी मार्केटें बंद हैं, वरना यहाँ पे बड़ा रश होता है। ये सारा जो है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी इलेक्ट्रॉनिक से मुतालिक। ये सीधा कजाफी चौक आ जाएगा, आगे जाएंगे हम तो। यहाँ पे भी सब ढोल बजा रहे हैं, ताज़िया निकला हुआ है सारा। अभी चलते हैं आगे आपको लेकर। ये आ गया कजाफी चौक 1 नंबर चौरंगी, यहाँ पे भी देखें ट्रैफिक काफ़ी जाम हो रहा है, आगे से रश लगा हुआ है, बस लोगों ने बंद किया हुआ था रश लगा के।
गाड़ियाँ नहीं है, लोगों का रश है यहाँ पे। ये बाबा साहब आगे जा रहे हैं, हुज़ैफ़ा हसनैन बाबा। चलो भाई रास्ता दे दो। लोगों की वजह से सारा ये जाम हुआ है। ये एक नंबर है, एक नंबर की चौरंगी। चलो जी इनकी तो लड़ाई हो गई। चलो भाई लड़ाई नहीं करो, निकलो। क्यों हंस रहे हो भाई? चलो भाई चलो चलो चलो। ये देखें इधर भी कंटेनर रखा हुआ, कल बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ था, कोई बाहर नहीं आ सकता था यहाँ से, औरंगाबाद से कोई बाहर नहीं निकल सकता था। शियाओं ने सारे सुन्नियों को कैद कर दिया था, अपने अपने इलाकों में घरों में महसूर कर दिया था कल 9 तारीख को। आज 10 मुहर्रम है तो आज खुला हुआ है थोड़ा। ये जिधर से हम गए थे 7 नंबर, ये वही इलाका वापस आने वाला है, वही जगह वापस आने वाला है, बनारस नेशनल हॉस्पिटल। ये पुल क्रॉस करेंगे, छोटा सा पुल है ये, आगे आ जाएगा बनारस नेशनल हॉस्पिटल, बनारस बाज़ार जिधर से हम गए थे। अभी घूम के मैं उसी तरह वापस आ गया हूँ, यहाँ से मैं सोच रहा हूँ सीधा जाऊँ। ये बनारस बाज़ार आ गया, लेफ्ट साइड पे मैं गया था अभी, अब इधर से मैं वापस आ गया हूँ, अब मैं सीधा निकलता हूँ यहाँ से। यहाँ से सीधा लेता हूँ डाकखाने की तरफ, फिर उधर से निकलूँगा 8:30 नंबर, औरंगी टाउन 8:30 नंबर। बड़ा रश है यार आज तो। ये इधर भी ताज़िया है, जगह जगह पे लोग चीज़ें बांट रहे हैं, कोई शरबत बांट रहा है, कोई पापड़, कोई चिप्स, कोई बिस्किट, कोई टॉफ़ी, एंजॉय कर रहे हैं लोग मुहर्रम को। यहाँ भी कुछ तकसीम हो रहा है, लोग लेने के लिए खड़े हैं, कोई बिरयानी बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, जिसकी जो दिल चाह रहा है, जिसकी जो हैसियत है वो हिसाब से बांट रहा है। यहाँ पे भी ताज़िया निकला हुआ है, सब ठेले पर लेकर जा रहे हैं, पता नहीं इसका करते क्या है, बनाकर कहाँ लेकर जाते हैं मुझे नहीं पता इसका। ये ढोल बजा रहे हैं धूम धड़क का। ये आ गया राइट हैंड पे मेरे बंदर पार्क के नाम से, ये पार्क है बंदर पार्क। बंदर तो मैंने देखा नहीं कभी यहाँ पे, लेकिन मशहूर है ये बंदर पार्क के नाम से। और ये सामने की तरफ जो है ये जो है पोस्ट ऑफिस है। अब यहाँ से मैं सीधा निकलूँगा तो 8:30 नंबर आ जाएगा, औरंगी टाउन 8:30 नंबर। यहाँ पे भी कुछ बांट रहे हैं और लोग लूट रहे हैं, फ्री में जो मिल जाए लोगों को बस लूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये झंडे पकड़े खड़े हैं, ये लेफ्ट हैंड पे अल्लाह वाला कॉलेज है। ये कॉलेज है लेकिन कोई पढ़ाई नहीं होती, ना कोई एडमिशन होता है यहाँ पे, ना कोई दाखिला होता है, कुछ नहीं होता, बस ये नाम है अल्लाह वाला कॉलेज।
ये आगे आने वाला है अपना 8:30 का पेट्रोल पंप। ये ख़त्म हुआ अल्लाह वाला कॉलेज और ये आगे स्टार्ट लेफ्ट हैंड पे मेरे 8:30 का पेट्रोल पंप आ जाएगा। यह है शेल का पेट्रोल पंप 8:30 नंबर। सामने शहनाई लॉन है। हर जगह ताज़िया ही ताज़िया आपको मिलेगा। यहाँ से अगर मैं लेफ़्ट लूँगा तो ये 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर और डिस्को मोड की तरफ चले जाएंगे हम। ये देखें, ये रास्ता सीधा डिस्को मोड की तरफ जा रहा है 13 नंबर और 14 नंबर से होते हुए।